नमस्कार दोस्तों, एम एफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक नया न्यू हॉलैंड का जो 3230 ट्रैक्टर है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आज देखिए, लुक वाइज तो वही न्यू हॉलैंड वाली लुक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा आपको आउटर लुक दिखा रहे हैं, हम अंदाज़ा दे रहे हैं। 2500 सीसी तीन सिलेंडर 42 HP के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं पावर स्टेयरिंग में है, डबल क्लच में है। दोस्तों सबसे खास बात है 42 HP के अंदर पावर स्टेयरिंग और डबल क्लच। अगर प्राइस की बात करें, लोन के ऊपर ट्रैक्टर आप लेते हो तो 6,15,000 रुपये अराउंड में, कम ज़्यादा स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल का प्राइस बता रहा हूँ मैं 2022 फरवरी का। और दोस्तों डबल क्लच है, रिवर्स कॉन्स्टेंट मैस, मतलब अच्छी एक जिसमें गियर जो है काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। और प्राइस मैंने आपको बताया है, अगर आप कैश में लेते हैं तो 25,000 रुपये का डिफरेंस है, 6,15,000 रुपये से 25,000 कम हो जाएंगे, इसके अराउंड में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो भाई 42 HP का ट्रैक्टर है, फ्रंट में बैटरी रखने लगी कंपनी, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगा हमने। ये देखिए फ्रंट में थोड़ा सा इसका बम्पर कंपनी से ही आता है, ये इस तरह का आता है, बाकी आप अलग से लगवा सकते हैं। हाँ, वेट इसके अंदर वेट है कितना है ये? ये वेट ही है लगभग एक तरह का। हाँ, अगर अलग से रखवाएं तो वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर इसमें टर्बो वगैरह तो नहीं आता, इनलाइन पंप के साथ आता है, तीन सिलेंडर इंजन आता है। स्टेयरिंग का ऑयल अलग से है, लिफ्टों का ये इंजन वाला ही उठाता होगा, ये पीछे वाला उठा हुआ ना लिफ्टों के लिए। तो हाँ भाई, पीछे हब में होता है, वहीं से उठाते हैं, सभी ट्रैक्टर में यही है हाल फिलहाल तो। और जो नई टेक्नोलॉजी तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी दमदार इंजन तो वैसे होते ही हैं न्यू हॉलैंड के, इसमें कोई वो बात नहीं है। डबल क्लच है मेन बात है, और छोटी पावर HP के अंदर कम प्राइस रेंज में ये ट्रैक्टर कंपनी ने सोच के निकाला है, ठीक है। और तेल की अगर बात की जाए तो 65 लीटर आपको इसके अंदर तेल का टैंक मिलेगा। और अभी आपको थोड़ी सी आवाज़ भी टेस्ट कराएंगे, आगे पीछे ट्रैक्टर करके दिखाएंगे। टायर की बात करें भाई दोस्तों, तो टायर इसमें आते हैं, फ्रंट वाले कितने हैं, 6016 के हैं दोस्तों फ्रंट वाले, मतलब नॉर्मली साइज़ है, छोटा ही साइज़ है, 6016 के, ठीक है। और पीछे वाले हैं भाई 13 के, और इसमें 14 तक के चल सकते हैं साइज़ के हिसाब से, 16 के तो नहीं चलेंगे, उसके लिए तो एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी। और 6 साल की वारंटी आती है भाई इसके ऊपर, 6 साल 6,000 आवर्स की। और लिफ्ट वही हिस्सा है, काफ़ी हैवी है। सबसे खास बात लगी ये इसके अंदर आवर रिडक्शन है भाई, ये शायद जो गियर में के अंदर झटका ना जाए ना, वो टेक्नोलॉजी इसमें यहाँ पर यूज़ कर रखी है। काफ़ी अच्छा सेफ करने की कोशिश की गई है मशीन को, और लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। सिंगल वाल्व है डम्फर वगैरह के लिए, काम करने के लिए पावर का। ये भाई सॉकेट हो गया 12 वोल्ट का। यहाँ पर सेंसिंग की बात की जाए तो सेंसिंग टू लिंकेज है सेंसिंग इसमें, यहाँ पे इसमें भी डलता है क्या लिंकेज? तीनों डलती है भैया, 3 लिंकेज है भाई। और रिवर्स PTO 540 इकोनॉमिक है दोस्तों, 540 सिंपल PTO इसके अंदर मौजूद है। लिफ्टिंग कैपेसिटी बात करें भाई, मतलब इसी ऐसी है दोस्तों, 1600 या फिर 1900 ऐसी दिखा रहा था, कुछ पक्का नहीं, लेकिन इसके आसपास में ही होती है। और हाल फिलहाल वेट आपको इसके साथ में मिल रहा है भाई, ये देखिए 50 kg की सिंगल प्लेट आपको व्हील के अंदर मिल रही है। और ये डबल फिल्टर हो गए भाई डीजल के, फ्रंट में ये सिंगल स्टेयरिंग दे रखा है, काफ़ी अच्छी इसकी भी यहाँ पर अटैचमेंट कर रखी है इन्होंने। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें भाई, जो इस रेंज के अंदर आते हैं ना 35-40 HP के, काफ़ी अच्छी है, सभी के बराबर में ये लगभग, और काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, ऐसी बात नहीं, ज़्यादा नीचा नहीं है ट्रैक्टर। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेटफॉर्म भी अभी जो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी खुले बनाने लगी है, सीट काफ़ी बड़ी और चौड़ी है भाई यहाँ पर बैठने के लिए, साइडों में एक एक व्यक्ति आराम से बैठ सकता है दो। तो भाई सीट पर बैठते हैं, काफ़ी लग्जरी फीलिंग आती है भाई, क्योंकि सीट बड़ी और कंफर्टेबल बना रखी है। तो ये इसके गियर देखिए, आइलो का इसमें हाल फिलहाल है, और ये छोटा टूल होगा, ये लिफ्टिंग होगी भाई, 4 फॉरवर्ड और रिवर्स। तो यहाँ से बैठ के आपको दिखाते हैं भाई फ्रंट का, देखिए स्टेयरिंग वही जो लैंड देता है अपनी शानदार लुक। ये इंडिकेटर के लिए होगा, यहाँ से जैसे स्विच लगाते हैं हम, तो यहाँ पर ये अपने अपने मीटर चालू हो गए भाई, प्रेशर का हो गया, ऑयल का हो गया,
ये आवर दिखा रहा है डिजिटल है, और ये टेम्परेचर हो गया, ये इसकी आरपीएम हो गए, यहाँ पे लाइटों के कंट्रोल हो गए, इसकी चाबी लगती है इधर, और ये जो ब्रेक है दोस्तों, ब्रेक एंड ब्रेक इसमें यहाँ पर दिए हैं, देखें ये ऐसे ब्रेक दबा के और एंड ब्रेक आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पीटीओ की क्लच है भाई, इस ट्रैक्टर का हमने नया ही सिस्टम देखा, तो ये पीटीओ की क्लच है, ये देखिए, और ठीक है, तो एंड ब्रेक तो इस ट्रैक्टर में यहाँ पर होते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये ऐसे आप लगा सकते हैं और ऐसे डिसइंगेज कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा आपको मीटर की तरफ अगर ट्रैक्टर की एक बार सेल्फ मार के दिखाते हैं साउंड को, ये देखिए, पहले ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर लेते हैं, कहाँ से हैं गड्ढे की चौंक, ठीक है, रीसेल। तो ये है भाई तीन सिलेंडर की साउंड ट्रैक्टर की, तीन सिलेंडर के अंदर आपने ये आवाज़ सुनी ट्रैक्टर की, काफ़ी दमदार आवाज़ है, लेकिन थोड़ी हैवी आवाज़ तो पड़ती है भाई ट्रैक्टर की, और अच्छी लगती है चलता जब ट्रैक्टर रोड के ऊपर। तो दोस्तों ये देखा आपने भाई, जो 3230 ट्रैक्टर अभी हाल फिलहाल चल रहा था, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाया है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, और मैं नीचे नंबर दे दूंगा, अगर आप डीलर से ख़रीदना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।